of giving voice to the people of India is captured and controlled by the BJP. If the entire architecture of institutional architecture is captured, then to say the opposition is weak, that's not really a correct statement. Give me a free press. Give me institutions that are free. And the government will not last. I don't have that. I can take proof, clear-cut proof of, for example, the Rafael deal. I can bring it to you. Don't show it. Right? So, at a certain level, frankly, you're also not doing your job. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तालाबंदी के दौरान आम जनता पर करोड़ों रुपए का जुर्माना और हाथरस में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होने का आरोप, ये दोनों घटनाएं हमारे समय को परिभाषित कर रही हैं कि जनता होना कितना मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में आपदाओं का इतिहास यह भी रहा है कि इस मौके का फायदा उठाकर सत्ता में बैठे लोग निरंकुशवादी हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं और जनता पर तरह तरह के जुर्माने लगाए जाने लगते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत नौकरशाही को छूट मिल गई है कि वह सामाजिक दूरी का पालन ना करने पर, मास्क ना लगाने पर और यहां वहां थूकने पर जुर्माना लगा दे। इंडियन एक्सप्रेस की 30 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात पुलिस ने 15 जून से 27 सितंबर के बीच 17 लाख से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया है। उनसे 53 करोड़ से अधिक की राशि वसूली गई है। गुजरात में मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है। हिंदी में सोचिए या गुजराती में कि किसी गरीब पर 1,000 का जुर्माना लगने से उस पर क्या बीतेगी, सोचेंगे तो स्पेनिश में फील कर पाएंगे। ताजा खबर है कि राजकोट पुलिस ने बताया है कि जिले के लोगों से जुर्माना के तौर पर 6.5 करोड़ की राशि वसूली गई है। राजकोट पुलिस के अनुसार मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ 4,201 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 3,409 मामले दर्ज हुए हैं। 12,000 से अधिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है जिनकी गतिविधियों से कोरोना फैल सकता था। इन सब से राजकोट पुलिस ने 6.5 करोड़ की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्या जुर्माना ही एकमात्र रास्ता है? बहुत से लोग गरीबी के कारण भी मास्क नहीं पहन सकते होंगे। अच्छे विशेषज्ञ तो कहते हैं कि N95 मास्क सबसे कारगर है, क्या सरकार उसे नहीं दे सकती? क्या कोई गरीब N95 मास्क खरीद सकता है? जो मास्क पहन रहा है उसकी क्वालिटी क्या है? लेकिन नहीं पहना है तो जुर्माना। कोरोना की तैयारियों में सरकारी चूक के कारण कितने लोगों की जाने गई, क्या उसके लिए सरकार पर जुर्माना लगाया गया? अकेले गुजरात में 53 करोड़ से अधिक जुर्माने के तौर पर वसूली हुई है। काश हमारे पास सारे देश का डेटा होता तो दिखता कि महामारी के नाम पर एक जुर्माना तंत्र विकसित हो चुका है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 4.5 लाख लोगों पर जुर्माना लगाकर 2.24 करोड़ की रकम वसूली है। सड़क पर थूकने के चलते 7,000 लोगों से 27 लाख रुपए वसूले गए। 600 पान की दुकानें और 35 टी स्टॉल सील कर दिए गए हैं। 55,000 दुकानों, व्यावसायिक इकाइयों पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा है। इस तरह कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का पालन ना करने पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 5.5 करोड़ की राशि वसूली है। यह रिपोर्ट 28 सितंबर के हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। अहमदाबाद में चाय की दुकानें सील हो गई तो उस चाय वाले का क्या हुआ होगा, उसकी रोजी रोटी का क्या हुआ? अहमदाबाद मिरर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट में पुणे को लेकर भी इसी तरह की खबरें छपी हैं। पुणे जिला परिषद ने करीब 2.25 लाख लोगों पर मास्क ना पहनने का जुर्माना लगाया है। इतने लोगों से 3.34 करोड़ की राशि वसूली गई है। लाइव मिंट की खबर के अनुसार पुणे पुलिस ने 2 सितंबर से 10 सितंबर के बीच 27,989 लोगों पर मास्क ना पहनने के कारण जुर्माना लगाया है। उनसे 1.39 करोड़ से अधिक की राशि वसूली गई है। हर किसी से 500 रुपए वसूले गए हैं, वैसे जुर्माना की राशि 1,000 रुपए भी है। द हिंदू की खबर के अनुसार तमिलनाडु में पब्लिक हेल्थ एक्ट के उल्लंघन के कारण 80,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगा है और उनसे 1.80 करोड़ की राशि वसूली गई है।
जुर्माना वसूलने के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी 51,000 से अधिक चालान कटे हैं और 2,53,00,000 की रकम वसूली गई है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐलान हो जाए कि लोकतंत्र में अगर आप जनता होना चाहते हैं तो जुर्माना देना होगा, क्योंकि जनता होने के लिए आपको सरकारों के फैसलों पर सवाल भी करने होंगे। आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, मास्क नहीं पहन रहे थे तो मीडिया में खबरें छपने लगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप प्रधानमंत्री को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं और मास्क ना पहनने पर खेद प्रकट करते हैं। मुझे स्वयं को पीड़ा हुई अपने शब्दों से, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के एकदम विपरीत थे और इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अच्छी बात है। क्या इसी तरह का मौका अहमदाबाद के टी स्टॉल वालों को या किसी गरीब को मास्क ना पहनने पर मिला? नहीं मिला। उससे 500 या 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और मंत्री जी यहां खेद प्रकट कर आदर्श हो लिए। कायदे से गृह मंत्री को प्रेस के सामने जुर्माना भरना चाहिए था। अगर जन जन तक मास्क पहुंचाने में स्टेट जिम्मेदारी ना निभाए, फेल हो जाए, तो क्या उस पर जुर्माना लगेगा? अस्पताल का बंदोबस्त ना हो, लोग बगैर इलाज के मर जाएं, तो क्या किसी स्वास्थ्य मंत्री पर आप जुर्माना लगा सकते हैं? इसी तरह कांग्रेस के नेताओं ने भी नियम तोड़े हैं। इस तरह से जुर्माना के नाम पर दो तरह की जनता बन गई है। एक गरीब और साधारण जनता है जिससे जुर्माना लिया जाएगा और दूसरी तरफ प्रभावशाली लोग हैं जिनसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा। विश्व गुरु भारत जैसे गरीब देश में मुमकिन है कि कोई मास्क ना खरीद सके? अगर सरकार सबके लिए डॉक्टर नहीं दे सकती तो मास्क दे सकती थी, मगर मास्क ना पहनने पर जुर्माना आप सब्जी वाले से लें, चाय वाले से लें तो ठीक नहीं लगता है। प्रभावशाली लोगों को बंद किया जाता, उनसे भारी जुर्माना लिया जाता तो हो सकता था कि आम जनता को बेहतर मैसेज जाता। रवीश, बहुत अहम प्रश्न है। मैंने आपके शो पे बार बार बताया है कि संविधान का मतलब है राज्य को चेक में रखना। ये काम करने के लिए संविधान ने मौलिक अधिकार बनाए हैं जो राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाते हैं। अब सबसे पहले इन मौलिक अधिकारों में ही राज्य ने ये एक प्रावधान कर दिया कि वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पर, डिफेमेशन के नाम पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर, डिसेंसी के नाम पर उस राइट को कर्टेल किया जा सकता है। फिर दूसरा ये कि जब आपातकाल लगा दिया जाए तो जितने भी आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। बाकी मौलिक अधिकार जो है इमरजेंसी के दौरान, उनके लिए राष्ट्रपति जी का एक ऑर्डर चाहिए, उससे सस्पेंड हो जाते हैं। अब तीसरा काम राज्य ये करता है कि बहुत से जो और कानून हैं उनमें इन्होंने इमरजेंसी हालात बताकर अपने पास शक्तियां ले ली हैं। जैसे आप सोच लीजिए कि ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट है, लॉ की कमी नहीं है, लॉ पहले भी था, ये 1897 का लॉ है, इंडियन पीनल कोड है, उसमें सेक्शन 188 पहले से दिया हुआ है कि डिसोबीडियंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 269 पहले से दिया हुआ है कि अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है नोइंगली टू स्प्रेड द इंफेक्शन ऑफ डेंजरस डिजीज, 271 में डिसोबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल ये दिया हुआ है इंडियन पीनल कोड में ऑलरेडी। ये पूरे इन मामलात में लॉ की कमी नहीं थी, मगर आजकल की सरकारें जो है वो और कोई काम करने के बजाय ये समझती हैं सबसे आसान है कानून पास करना, क्योंकि एक हाउस में तो उनकी मेजॉरिटी है और दूसरे हाउस में उनका बहुत ही फेवरेबल स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन होता है जो पुश कर देता है बिल्स को, जैसे आपने अभी देखा फार्म्स बिल के बारे में। तो एक थोड़ा सा मसला हुआ कि कुछ हेल्थ वर्कर्स के साथ बदतमीजी हो गई, फौरन अप्रैल 22 को ऑर्डिनेंस आ गया, फिर पूरे देश की राज्य सरकारों में कंपटीशन चल गया कि किसकी शर्ट ज्यादा सफेद है, और उसमें राजस्थान एक अलग बना रहा है, गुजरात अलग बना रहा है, उत्तर प्रदेश अलग बना रहा है। मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जब राज्य ने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट पर एक ऑर्डिनेंस ला दिया और उस लॉ ऑर्डिनेंस में सजाएं कितनी बढ़ा दी कि 3 महीने से 5 साल तक की सजा जो आपके दिया हुआ था इंडियन पीनल कोड में वो 6 महीने की सजा थी, वो 5 साल कर दी गई, उसमें फाइन का कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ था, उसको 50,000 कर दिया गया। उसके बाद वही राज्य सरकारें उसी पार्टी की हैं फिर उसमें और सजाएं बढ़ा रही हैं। ये सारा मसला जो है इसमें राज्य ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली और जिस तरीके से आपने देखा
कि कोई सड़क पर कर्फ्यू के वायलेशन में आ गया, लॉकडाउन के वायलेशन में आ गया, किसी ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली, उन सारे लोगों को इन लॉस के तहत हैरेस किया गया। वो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे चला दिए गए कि इन्होंने स्प्रेड किया जबकि वो खुद निगेटिव थे। और अब सब की सब हाई कोर्ट ये कह रही हैं, भाई जो खुद निगेटिव है वो दूसरों पे कैसे डिजीज स्प्रेड कर सकता है। आपदा प्रबंधन कानून होता है आपदा को खत्म करने के लिए, ना के लोगों के अधिकारों को खत्म करने के लिए। हाथरस दौरा करने गए विपक्ष के नेताओं पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लोकतंत्र को जुर्माना तंत्र और पुलिस तंत्र बनाने के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट की भी जरूरत नहीं है। वैसे मैंने कई बार कहा है कि न्यूज चैनलों के जरिए विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते हैं, आप भी हो सकते हैं और कोई सत्तारूढ़ दल का सदस्य भी हो सकता है। लेकिन जब बोलना इतना महंगा हो जाए और साथ में न्यूज चैनलों पर बैठा एंकर सवाल उठाने वालों को गैंग कहे, गिरोह कहे और राज्य के हिंसा पर चुप हो जाए, तो यह संकेत अच्छा नहीं है। बहुतों को लग सकता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो टीवी देख रहा है, मगर फर्क पड़ता है। जैसे इन विद्युत कर्मियों में बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है, इनमें से ज्यादातर गोदी मीडिया के ही उपभोक्ता होंगे, इनमें से ज्यादातर को सवाल करना ठीक नहीं लगता होगा, मेरा भी। तब इन्हें लगता होगा कि वे धारा के साथ हैं, शायद वही धारा है। मगर जैसे ही ये लोग सरकार के एक नीतिगत फैसले के खिलाफ सवाल उठाते हैं, ठीक उसी तरह से अलग थलग कर दिए जाते हैं जिस तरह से ये लोग किसी सवाल करने वालों को अलग थलग कर दिया करते होंगे। इनका कहना है कि यूपी में बिजली की 5 वितरण कंपनियां हैं जिनका सरकार निजीकरण करने जा रही है। शुरुआत पूर्वांचल से होगी मगर बाकी कंपनियों का भी निजीकरण होगा। इससे 48,000 सरकारी बिजली कर्मचारी, उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। 2 सितंबर से इसके खिलाफ यूपी भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में कई जगहों पर बिजली की सप्लाई रोकने की खबर है। कई मोहल्लों में अंधेरा रहा, पानी नहीं आया, एक तरह से जन समस्या भी पैदा हुई, मगर क्या उन्हें संतोषजनक मीडिया कवरेज मिला? यूपी एक बड़ा राज्य है, अगर यहाँ कई घंटों के लिए बिजली की सप्लाई रोक दी जाए तब भी ये कर्मचारी 1 घंटे का कवरेज हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अब ये विपक्ष हैं। लेकिन जब ये विपक्ष नहीं थे तब विपक्ष के नेता पर हंसा करते थे, उनसे नफरत करते थे। विपक्ष के नेता से बिल्कुल असहमत होना चाहिए, बल्कि 100 बार होना चाहिए, मगर उससे नफरत करना, हंसना, ये अलग चीजें हैं। ऐसा करते हुए लोग अपने ही भीतर के विपक्ष की हत्या करते हैं, और इस काम में मदद करते हैं न्यूज चैनल वाले और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोगों का जो ये आंदोलन है कितने दिनों से चल रहा है? ये हमारा 36वां दिन है। तो इन 36 दिनों में आप लोगों को क्या मीडिया कवरेज मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, क्या हकीकत ये बताएं तो जिस प्रकार का ये आंदोलन है हमारे पूरे प्रदेश में, बिजली का निजीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन 34 दिनों तक इसको जो है मीडिया का कवरेज उतना मिला नहीं, जिसका असर है कि आज ये 35वें और 36वें दिन कार्य बहिष्कार के दौरान कुछ मीडियाओं का इसके तरफ नजर आया है और इसका कुछ असर हो रहा है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि जो लोकल में तो छपता होगा ना, लोकल और इन सबों में छपता होगा, तो उसे क्या देखते हैं आप? देखिए, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है, वो सपोर्ट भी करते हैं, वो कवरेज को निकालते भी हैं, लेकिन ये तय है मान के चलिए कि जब तक इसको बड़ी मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी, बड़े मीडिया के लोग इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि इतनी जल्दी सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच सके। लोकतंत्र में संख्या का महत्व अब खत्म हो गया है, चुनाव के समय है सिर्फ। यह बात 35 लाख ट्वीट करने वाले नौजवानों को समझ आ चुकी होगी, क्योंकि उन्हें मामूली घोषणाओं से अधिक हासिल नहीं हुआ। संख्या के हिसाब से किसान से बड़ा कोई वर्ग नहीं है इस देश में, मगर उनके मुद्दे को लेकर कितना ही रूटीन कवरेज हुआ, यह बात अब किसानों को समझ में आ रही है। उनके आंदोलन को आसानी से दलालों और बिचौलियों का आंदोलन ठहराकर किनारा कर लिया गया। विपक्ष के नेताओं को देर से ही सही यह बात समझ में आने लगी है। अब जाकर राहुल गांधी नियमित रूप से बोलने लगे हैं कि मीडिया देश का नुकसान कर रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट में मीडिया की भूमिका का सवाल पहले से ज्यादा मुखर हो रहा है। इसके पहले वे कभी कभार बोला करते थे,
12 सितंबर को भी ट्वीट किया है कि 12 करोड़ नौकरियां चली गईं, सरकार और मीडिया कहता है कि सब चंगा सी। 26 अगस्त का ट्वीट है कि मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से ना गरीबों को मदद होगी ना आर्थिक आपदा सुलझेगी। 14 अगस्त का ट्वीट है कि सरकार चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। 30 जुलाई को राहुल गांधी का ट्वीट है कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके पूंजीवादी मीडिया ने एक माया जाल रचा है, ये भ्रम जल्दी टूटेगा। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है, भाइयों और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। मीडिया को लेकर राहुल के हमले पर कम से कम सूचना प्रसारण मंत्री को जवाब देना चाहिए कि भारत का मीडिया गोदी मीडिया क्यों है, क्यों प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान निचले पायदान के देशों के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी मीडिया के बहाने सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। 14 जून के बाद से भारत के चैनलों पर सिर्फ एक मुद्दा चला है, सुशांत सिंह राजपूत का। अब तो एम्स की रिपोर्ट भी आ गई है कि आत्महत्या थी, इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर रिया चक्रवर्ती को लेकर किस तरह का माहौल बनाया गया कि जैसे रिया ने ही हत्या की हो। रिया के खिलाफ भीड़ खड़ी कर दी गई और वो लड़की कब से जेल में है। आपके भारत का मीडिया इसके लोकतंत्र की खूबसूरती को नष्ट कर रहा है। आप दाएं बाएं से दलीलें खोजते रहिए, मगर इसका सच सामने आएगा और आपके सामने खड़ा हो जाएगा। पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर केंद्र के कृषि कानूनों को अस्वीकार कर दिया है। पंजाब की ग्राम सभाओं से इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। यह एक नए तरह का आंदोलन है जब इस स्तर पर ग्राम सभाएं प्रस्ताव पास कर रही हैं। क्या इसी बहाने ग्राम सभाएं अपनी भूमिका नए सिरे से तलाश रही हैं, उनमें जान आ रही है? यह कितना अच्छा है कि ग्राम सभाएं सक्रिय हो जाएं। पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार ग्राम सभाएं 7 दिन के नोटिस पर विशेष सत्र बुला सकती हैं और ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर सकती हैं। ये सारे प्रस्ताव प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। द वायर में इस पर विस्तार से रिपोर्ट छपी है। जमाने बाद सुनने को मिला है कि किसानों ने अपने प्रदर्शन में ग्राम सभाओं के ढांचे का भी इस्तेमाल किया है। गांव-गांव में पंजाब के 13,000 के करीब गांव हैं। हर गांव से ग्राम सभा की जाएगी। पंचायती एक्ट के अनुसार नोटिस देके ग्राम सभा में जो भी लोग आएंगे वो एक रेजोल्यूशन के ऊपर दस्तखत करेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि हम सब लोग इन विधेयकों के विरोध में हैं, इनको वापस लेना चाहिए। और ये जो हमारा फैसला है, इससे पंजाब के लोगों में जहां एक मोबिलाइजेशन होगी, लोग विधेयकों के खिलाफ जब डीएम और एसडीएम को रेजोल्यूशन देने जाएंगे, उनकी मोबिलाइज होंगे, सड़कों पर आएंगे। साथ ही साथ ये अपने आप में 13,000 गाँव के जो लोग हैं उनकी केंद्र के इन विधेयकों के खिलाफ एक सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी भी मानी जाएगी। तमिलनाडु से भी खबर आ रही है कि वहां के ग्राम सभाओं में केंद्र के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की योजनाएं बन रही हैं।
संसद के बनाए कानून के सामने ग्राम सभाएं खड़ी हो रही हैं। उन्हें यह अधिकार भी संसद के कानून से मिला है। इसके पहले भी झारखंड में कई गांवों में पत्थलगड़ी आंदोलन चला था। गांव के लोगों ने गांव के बाहर संविधान की प्रस्तावना पत्थर में लिखकर लगा दी थी। क्या यह जानने लायक घटना नहीं है? पंजाब में अलग अलग ग्राम सभाओं में, अनेकों ग्राम सभाओं में लोग प्रस्ताव ले रहे हैं जो केंद्र सरकार ने ये तीन कृषि संबंधित कानूनों को पारित करवाया। पहली बात ये है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या ग्राम सभा ऐसे प्रस्ताव लेने लग जाए तो कानून तो पार्लियामेंट ही बनाता है, संसद ही बनाता है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ग्राम सभा भी एक वैध संवैधानिक सभा है और उस ग्राम के अंदर रहने वाले लोग अपना प्रस्ताव, अपना मत वैध तरीके से पारित करके कई जगह, अधिकतर जगह सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, लोकसभा को भेज रहे हैं, कहते हुए कि आपने हमसे बिना पूछे ऐसा कानून क्यों पारित किया। भारत सरकार में लॉ डिपार्टमेंट का एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस, मतलब कानून पारित करने से पहले, लोकसभा विधानसभा तक लाने से पहले जनता से पूछे, उन संबंधित लोगों से पूछे कि क्या उस कानून के पक्ष में है कि नहीं है, क्या उनके ऊपर कुछ अच्छा या बुरा असर पड़ेगा, वो प्रक्रिया बिल्कुल हुई नहीं इस कानून में। इसको एक अध्यादेश के रूप में लाया गया और फिर संसद हमने देखा कैसे चला, बिना ढंग से चले, जहां विरोध हो रहा था किसी से पूछ के नहीं, किसी संसदीय समिति में भी नहीं भेज के इसको पारित कराया। तो तब लोगों के पास रास्ता और क्या है? 13,000 ग्राम सभाएं पंजाब में पास करेंगी। पेसा नाम का कानून है जो कहता है आदिवासी इलाके में क्या होगा उस गांव में, वो आदिवासी ही तय करेंगे अपने इलाके में। लेकिन देश में भी वही पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले आप पूछो, ये कोई गैर संवैधानिक चीज नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी कृषि के बारे में हमसे पूछ के कानून बनाओ। और वो चीज यदि ये सरकार, कोई भी सरकार नहीं करेगी तो उनका मत किसी ना किसी तरीके से प्रकट होना पड़ेगा, वो मत प्रकट हो रहा है इन ग्राम सभाओं से। पंजाब के अखबारों को देखिए, हरियाणा के अखबारों को देखिए, किसान आंदोलन की खबरों के कवरेज से भरे हैं। हरियाणा में भी वही हाल है। आज भी हरियाणा में कई जगहों पर केंद्र के बनाए कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। सिरसा में बड़ी संख्या में किसान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का घर घेरने पहुंच गए। किसानों की संख्या बहुत अधिक हो गई। पुलिस किसानों को रोकने लगी और किसान उग्र हो गए और पुलिस के बैरिकेड को पार करने लगे। इस क्रम में स्थिति बिगड़ती चली गई। पुलिस रोकती रही कि किसान उप मुख्यमंत्री के घर तक ना पहुंच सके। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसान भीगते रहे मगर पीछे नहीं हटे। भाग दौड़ में कई किसानों को चोटें भी आई हैं। 17 किसान संगठनों ने आज के कार्यक्रम को सपोर्ट किया था। किसान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव डाल रहे हैं कि वे कृषि कानून का विरोध करें। दुष्यंत चौटाला ने कृषि कानून का समर्थन किया है, मगर आज ही उन्होंने सूचना दी है कि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सिरसा में पंजाब और हरियाणा से कलाकार भी हिस्सा लेने आए थे। क्या इन किसानों को सिर्फ बिचौलियों का आंदोलन कहकर नकारा जा सकता है? किसानों को भी पता है कि कोरोना से खतरा है, लेकिन वे इतनी बड़ी संख्या में आए इसलिए कि उन्हें पता है कि उनकी खेती दांव पर है। राज्यसभा में यह कानून बिना मत विभाजन के पास किया गया है। किसान चाहिए या कुर्सी चाहिए? चौधरी दुष्यंत चौटाला, रंजीत सिंह जी, जो कि आज बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, इनकी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि जहां देश का एक भी किसान संगठन, देश का एक भी किसान नेता जब इन कानूनों के समर्थन में खड़ा नहीं है, तो आप चौधरी देवीलाल के वंशज, उनकी राजनीतिक विरासत का वारिस होने का दावा करने वाले लोग, आप इन कानूनों के हक में क्यों खड़े हैं? आप इनकी ढाल बन के क्यों खड़े हैं? अगर आपको किसान प्यारा है तो छोड़ो सत्ता, त्याग पत्र दो, किसानों के बीच आके बैठो, इस आंदोलन में साथ जुड़ो, इन कानूनों का विरोध करो। अगर आपको सत्ता प्यारी है तो ठीक है, चिपक लो आप, फिर किसान हिसाब कर लेगा, किसान आपको बता देगा, कम से कम किसान का वारिस होने का दावा बंद कर दो। पंजाब में भी किसानों ने कई जगहों पर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किए हैं।
राहुल गांधी जब पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़े तो उन्हें हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया। शाम 4:45 के करीब राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उन्हें ब्रिज पर रोका गया है, हरियाणा जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अब वे जहां पर हैं वहीं पर 1 घंटे, 5 घंटे या 5,000 घंटे रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल को रोका जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि ज्यादा भीड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ये कोरोना का काल है। 100 लोगों के साथ अनुमति दे दी गई और विवाद खत्म हुआ। इससे अधिक लोग तो सिरसा में जमा हो गए थे। खैर, राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश कर गए। दिल्ली से सटे 2 राज्य पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद भी किसानों की खबरें जिला संस्करणों में सिमट कर रह गई हैं। कई बार लगता है कि अखबारों में जिला संस्करण की खोज ही इसलिए की गई ताकि किसानों की आवाज को जिले तक सीमित कर दी जाए। किसान बहुत पहले राष्ट्रीय संस्करणों से बाहर कर दिए गए थे। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी और उनके सहयोगी लगातार किसानों के अनुभव भेज रहे हैं। वहां 272 मंडियों के 90,000 से ज्यादा कारोबारी 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। किसान मंडी के बाहर औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हैं। आखिर जब वो खुले बाजार में बेच भी रहे हैं तब भी उन्हें दाम क्यों नहीं मिल रहा है? आज किसान को अगली फसल की तैयारी करना है, अपने लिए चने गेहूं खाद खरीदना है, लेकिन अभी तो फसल बिकने के ठिकाने नहीं। हार्वेस्टर वाले को पैसे देना है, थ्रेसर वाले को पैसा मतलब इनको देना है, जिन्होंने कटिंग किया मजदूरों को पैसा देना है, लेकिन न मंडियों के खुलने के ठिकाने, न तो किसान को भाव मिल रहा है, न तो किसान का अपना माल बेच पा रहा है। यह खबर आई थी कि बीजेपी के नेता किसानों के बीच जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्हें नए कृषि कानून के बारे में बताएंगे। पंजाब में कितने मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हैं मुझे जानकारी नहीं है। क्या हरियाणा में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूछा जा सकता है। बीजेपी के सांसद किसानों को समझाने जा रहे हैं कि आप अपनी आजादी का विरोध मत कीजिए, इसे एंजॉय कीजिए। जो 70 साल से एक ट्रैक चल रहा है, जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसमें कभी किसानों का भला नहीं हुआ, इसलिए अगर कोई चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे तो उसके बगैर भला नहीं। उसका जो चेंजिंग आई है और उस चेंजिंग अच्छे के लिए की है, ये हल जो है सेंटर में होगा और सेंटर में जो कृषि मंत्री और राजनाथ जी से इनसे टाइम लेके इन्हें बिठाया जाएगा। इन सब सभी यूनियनों ने ये कहा है कि हमारे को आप एक मतलब निमंत्र पत्र सेंटर से आ जाए और मीटिंग का फिक्स करवा दो, और हमने वो 9 या 10 तारीख को एक लेटर जो आ जाएगी उसमें जो मीटिंग जो है वो फिक्स हो जाएगी, और उसमें अगर किसी तरह की कोई शंका है किसानों से खुल के बात हमारे खेतीबाड़ी मंत्री करके और किसानों का हल जो है हम करवाएंगे। जहां भी जनता विपक्ष बनकर खड़ी है उसे अनदेखा किया जा रहा है, हर बात में साजिश की थ्योरी लाई जा रही है। हाथरस में कोई 10,000 लोग भी नहीं गए होंगे मगर वहां अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोई भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है। क्या पीड़िता का शव बिना परिवार की सहमति और मौजूदगी के जला देना अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? क्या उनके फोन ले लेना, परिजनों के प्रेस से बात नहीं करने देना, यह भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? ठीक यही थ्योरी दिल्ली दंगों के दौरान चलाई गई और प्रोफेसर से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर संगीन धाराएं लगा दी गई। अब यही थ्योरी हाथरस के संदर्भ में चलाई जा रही है और गोदी मीडिया हवा दे रहा है। हमारे सामने हमने देखा था पुलिस ने कैसे आपको धक्का दिया, उसके बाद प्रियंका जी के साथ हाथापाई हुई, करीब 500 कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ FIR हो गई है, जर्नलिस्ट पे भी FIR हो रही है। योगी सरकार के इस रवैये पर क्या कहेंगे सर? पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। चाइना को मालूम है कि ये व्यक्ति जो ऊपर बैठा है ये सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है, ये अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। चाइना से भी वो इस कारण डरते हैं और आपसे भी ये इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है, टनल में जाएंगे अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरा
मीडिया पूरी मोनोपोली है, सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में, तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है। जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी, आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खींचे, क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा, मतलब एक पलंग नहीं 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा, क्यों, क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी अमरिंदर सिंह जी गए ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। मीडिया की मोनोपोली, पहले एंकर स्टूडियो में अकेले चिल्लाता था, अब जो रिपोर्टर बाहर होता है उसे भी एंकर की तरह चीखने चिल्लाने के लिए कहा जाता है, कूदने फादने के लिए कहा जाता है। एंकर का चीखना चिल्लाना और ललकारना गौर कीजिएगा, वो जोकर नहीं है बल्कि हिंसक भीड़ का एक रूपक है, प्रतीक है। वो अपनी इस हरकत से दर्शकों का मजाक उड़ाता है और आप उस पर हंसते हैं या हंसने की सामग्री बनाकर फॉरवर्ड करते हैं। सोचिए आपकी क्या हालत हो गई है। वह काफी समझदार है, कूद कूद कर बता रहा होता है कि ऐसे ही सब खत्म कर दिए जाएंगे जैसे वह खत्म हो चुका है। भारत में लोकतंत्र की हत्या का यह दृश्य देखना हो तो न्यूज चैनलों पर एंकर रोज फ्री में पेश कर रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का फेसबुक पोस्ट है, हाथरस की घटना कवर करने गए थे। मुकेश ने लिखा है कि किसी चैनल के न्यूज रूम से एक रिपोर्टर को फोन आया कि सभी चैनलों के रिपोर्टर कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रहे हो। वो बेचारा नौकरी की खातिर पास के खाली प्लॉट में कूद कूद कर रिपोर्टिंग करने लगा। जाहिर है मुकेश सिंह सेंगर को अच्छा नहीं लगा। शुरुआत हुई थी प्रेस के जरिए जनता पर हमला करने की घटना से, उसके बाद प्रेस का आपस में हमला होने लगा, अब इस चरण में प्रेस खुद पर हमला कर रहा है, खबर छोड़कर रिपोर्टर से कूदने फांदने के लिए कह रहा है। आप हंसिएगा नहीं, क्योंकि इस खेल में आपकी आवाज खत्म हो रही है। जो चल रहा है वो लतीफा नहीं है, लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रसारण है। बाकी ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, इसके लिए SOP भी जारी कर दी गई है। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए क्या अब स्कूल जाना आसान है? दिल्ली में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 3 लाख के करीब छात्र CBSE के रजिस्ट्रेशन फीस देने में संघर्ष कर रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देंगे तो ये लोग बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हैं। पैसे की कमी की वजह से दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से ऐसे छात्रों की मदद नहीं कर पा रही है। सुकीर्ति द्विवेदी की यह रिपोर्ट देखिए। 16 साल की पूजा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। ये रहती हैं दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर के आम शौचालय के अंदर एक कमरे में। इन्हें अगले साल बोर्ड के इम्तिहानों के लिए 1800 रुपये बतौर CBSE रजिस्ट्रेशन फीस भरने हैं, लेकिन ये रकम इनके 50 साल के पिता के बस के बाहर है, जिन्हें शौचालय इस्तेमाल करने वालों से महीने में मुश्किल से 6000 रुपये मिलते हैं और उसमें भी इन्हें 5 लोगों का परिवार चलाना होता है। पूजा की माँ घरों में काम करती हैं। इतने गरीब आदमी हम कुछ कह नहीं सकते आपसे, पैसा होते तो हम जमा कर जाते, जब ही लेट हो रहे हैं हम। तो अभी आपको ये डर बना हुआ है कि लड़की की पढ़ाई छूट जाएगी? छूट ही जाएगी, हकीकत में जब पैसा जमा ना करेंगे तो छूट ही जाएगी, फिर घर बैठानी पड़ेगी। कि हमारे पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। कि मेरी मम्मी भी बैठी थी 2-3 महीने से घर में, अब जा रही है 1 महीने से बस, अभी अब मिलेगी 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, अब जाना स्टार्ट किया है उनने भी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में 3 लाख से ज्यादा छात्र हैं। 10वीं की फीस 1800 रुपये और 12वीं की 3100 रुपये तक है। 2019 में दिल्ली सरकार ने ये रकम CBSE को दी थी। 2018 तक फीस कम थी,
दसवीं के लिए 375 रुपए और 12वीं के लिए 600 रुपए पड़ते थे। कोविड के बाद लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है और ज्यादातर लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुछ ही गलियों बाद हमें एक और पूजा मिली। ये 18 साल की हैं और 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, लेकिन उनका संघर्ष भी अलग नहीं है। इनके पिता 10 साल पहले गुजर चुके हैं। जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी माँ लोगों के घरों में काम ढूंढने के लिए गई हुई थी ताकि फीस के 3100 रुपए जुटा सकें। 1800। तो वो कैसे मैनेज करी आपकी मम्मी ने? किनसे पैसे लेकर के भरे आपके भाई की फीस? मम्मी ने ऐसे आस पड़ोस से लेके उधार लेके भरी है। पेपरों में नहीं बैठने देंगे, सबसे बड़ा डर तो यही है। वैसे मैं LLB करना चाहती हूँ, लॉयर बनना चाहती हूँ। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक NGO सोशल ज्यूरिस्ट ने याचिका दायर करके CBSE से इस साल की इम्तिहान की फीस माफ करने की मांग की है। साथ ही ये मांग भी की है कि अगर CBSE ऐसा नहीं कर पाता है तो केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि फीस की रकम वो अदा करें। 9th क्लास से 12th क्लास तक फीस ली जाती थी 20 रुपया महीना, और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि ये इनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है लॉकडाउन और पेंडेमिक की वजह से, इसलिए उन्होंने उसमें कहा कि इनसे वो 20 रुपये भी नहीं लिए जाएं। तो एक तरफ तो वो इस तरीके की ऑर्डर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पिछले साल जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी और CBSE ने एकदम फीस बढ़ा दी थी 5 गुना, तो दिल्ली गवर्नमेंट एकदम आ गई कि हम सारे पैसे दे देंगे, और उन्होंने सारे पैसे दे दिए। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस पहल की लागत 100 करोड़ रुपए आती और सरकार ये सह नहीं सकती क्योंकि पिछले साल के मुकाबले राजस्व में वैसे ही 91% की कमी है। 2000 या 3000 रुपए की राशि उन लोगों के लिए छोटी होगी जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पर पूजा जैसे लोग जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं उनके लिए ये भविष्य का सवाल है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कनन पात्रा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।